मोदी और टकले सुन, मोदी और मोटे सुन, तू क्या समझता है कि तेरे इस कानून से हम भाग जाएंगे? तू क्या तेरे पाप का भी पाप हमें भारत से भगा नहीं सकता? तो साले जाओ ना उधर पाकिस्तान में, इधर क्या तुम लोग का? जाओ ना पाकिस्तान में, अपनी मरो पाकिस्तान में, इधर क्या तुम लोग का? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शिव छत्रपति महाराज का आज सिंबल दिया ना, प्राउड फील करो। ये चीज बताओ, ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर है हमारा आज जो ये किया? इतना साल में किसी ने किया क्या ये करने के लिए? जिगर जी सब कुछ है मेरे पास। आज ये सोशल मीडिया का पहला हिसाब आप है जो खुलेआम गाली देता है, वो आतंकवादियों से लेके गद्दारों की सबकी बजाय है हमारी। क्या लगता है मेरे को धमकियां नहीं आती? बीच में मेरा वीडियो भी वायरल हो गया था जो ISI वालों ने मेरे को धमकी दिया था, मेरे पे 10 करोड़ का इनाम रखा है, ठोक डालेंगे घंटा। चुप बेटू, मैं मरेगा तो शेर जैसा मरेगा, कुत्ता बिल्ली का मौत नहीं मांगता अपने को, और जो होएगा देखा जाएगा। मेरे को मालूम है हिंदुस्तान के लोग कितने मेरे साथ है और कितने नहीं है, तो जो है ना उनसे बहुत प्यार करते हैं, और जो नहीं समझते ना उनको भगाओ इधर से। तो एक स्विगी वाला आया था तो उसको वो बिल्डिंग में लिफ्ट रहने के बावजूद वो सोसाइटी वालों ने अलाउड नहीं करते कि आप लिफ्ट से जाओ, वो 6 माला आप चढ़ के जाना है। क्यों रे, तुम लोग में रहम नहीं क्या? वो स्विगी वाला, जोमेटो वाला, वो भी तो इंसान है ना, वो आपके टाइम पे आपको जो खाना मांगता है, कुछ मांगता है, क्या मांगता है आपके लिए बराबर, वो बेचारा इतना दूर से कहां से भी लाता है, मेहनत करता है, तुम लोग को शर्म नहीं है रे? याद रखना सालों ये कर्मा है, आज वो गरीब के साथ किया ना, कल तुम लोग को सालों तुम लोग को चलने के लिए हालत खराब हो जाएगी तुम लोग की सालों। उसने माफी मांग ली यार, पूरे हिंदुस्तान से माफी मांग ली, और क्या चाहिए यार। अस्सलाम वालेकुम, साइज़ मैं चेयरपर्सन इस्तेगा में पाकिस्तानी था, इंडियन फ्लैग को फाड़ने पर इंडियन अवाम से मैं जो है माफी चाहती हूँ, उससे की हालत में ये हुआ या मुल्क से मोहब्बत के जज्बात में ये सब कुछ हुआ। तुमने माफी मांग ली ना, बस भाऊ का दिल जीत लिया तूने, भाऊ का तूने माफी मांग ली, आइंदा से मत कर, बस आइंदा से मत कर। मेरी संस्था है ना, 20 साल हो गया एम्बुलेंस चलती है मेरी, फ्री 24 घंटा फ्री चलती है। मैंने क्या बोला, मैं जो कमाता है उसमें से 70% लोगों को मदद करता है, उनके ऑपरेशन से लेके कितने बच्चों की फीस भरता हो सब कुछ करता। क्या होता है ये बताना, ये अच्छा नहीं होता है, ये मैं मेरा फर्ज निभाता हूँ और कुछ नहीं, और ना हर किसी ने करना चाहिए। जो अभी बंगले में बैठे हैं ना, वो जरा उतरो और मदद करो, क्योंकि ये लोगों ने 25-50 का टिकट निकाल के आपको भाड़ा किया है, तो अभी आज आपका फर्ज बनता है कि नीचे उतरो और उनकी मदद करो। अपने लिए करता है ना तो एहसान फरामोश नहीं बनेगा, टाइम हर किसी का। अभी एक शायरी सुना था मैं, आज जो नाम अखबारों की सुर्खियों में है ना, कल वही नाम कचरे के डिब्बे में होगा। इतना गुरूर ना कर शोहरत का मेरे दोस्त, आज तेरी मुट्ठी में कल किसी और के मुट्ठी में होगा। टेम्पर वारी आज तेरे पास है ना, संभल के रखो ये। अरे पागल, ये रुपया पैसा तो हाथ का मैल है रे, इसलिए मैंने डर और खौफ कमाया है, जो तेरी आंखों में साफ दिख रहा है। कार्तिक आर्य, हाँ। उसको वो धर्म कौन सा प्रोडक्शन है, वो धर्मा प्रोडक्शन में उसे ये कर दिया है, बायकॉट कर दिया उसको। इनके बाप का है क्या इंडस्ट्री? हाँ, इनके बाप का इंडस्ट्री है क्या? वापस उसको क्या सुशांत सिंह राजपूत जैसा किसी को बनाना चाहते हैं क्या? नहीं होएगा अभी इनके पिछवाड़े में झाड़ू लाल के मोर बनाएंगे। हाँ हाँ, अभी नहीं होएगा, अभी इन लोग को सबको जो नए ना उनको चांस मिलना मांगता है। बहुत जरूरी है। हाँ,
वो हाफ बिरयानी है ना वो, उसका भी पिक्चर नहीं लगने देगा मैं। आज आप देखो मेरे बहुत सारे मुसलमान भी दोस्त है जो मेरे गणपति बाप्पा में आते हैं, उनका जब कुछ भी त्योहार, ईद रहने दो, कुछ भी मुहर्रम रहने दो, कुछ भी रहने दो, भाऊ वहां पे जाता है। तो हम सब एक है यार, तो किसी को भी बुरा लगे, किसी के भी धर्म के बारे में गलत मत बोलो, मैं ये बोलता हूँ। धर्म को छोड़ के तुम्हारे को जो करना है वो करो, धर्म को बांटने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सब एक है, तो किसी का मजाक मत उड़ाओ।